हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का सेशन होने वाला है थोड़ा सा इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश। सो हम इंग्लिश की जो पार्ट वन बुक है, इन्विटेशन टू इंग्लिश, हमारी जो सीएचएसई की क्लास 11th की फर्स्ट चैप्टर है, उसको उसकी जो फर्स्ट यूनिट को आज हम करेंगे। दैट इज द चैप्टर कॉल्ड स्टैंडिंग अप फॉर योरसेल्फ। तो आज के सेशन में हमें बताती हूँ कि हम क्या क्या करने वाले हैं। तो पहला, मैं एज आई सेड इन माय प्रीवियस वीडियो, कि हम हमारी जो टेक्स्ट की जो उसकी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करेंगे, फिर हार्डवर्ड्स को डिस्कस करेंगे, जरूर करेंगे हार्डवर्ड्स डिस्कशन, फिर हम उसकी इन टेक्स्ट क्वेश्चंस की डिस्कशन करेंगे। एंड जो भी मैंने बताया था कि जो एमसीक्यूज क्वेश्चंस है, वो हम इस चैप्टर के एंड में करेंगे। ओके, सो ये इसमें हमें पता चलेगा कि स्टोरी किस में है, तो एमसीक्यूज करने में ईजी होंगे। तो स्टैंडिंग अप फॉर योरसेल्फ, इसको जानने से पहले हम चलते हैं हमारे ऑथर के बारे में। दैट इज द ऑथर कॉल्ड येवेंजी अलेक्सांड्रोविच येवर्तुसेंको। सो ही वॉज अ रशियन पोएट, एंड उनकी जो बहुत सारी प्रोफेशन थी, आप इस पिक्चर में उनकी फोटो देख रहे हैं। ओके, सो उनकी बहुत सारी प्रोफेशन थी, वो सिर्फ पोएट नहीं थे, नोवेलिस्ट थे, एसिस्ट थे, एक्टर थे, ड्रामेटिस्ट थे, स्क्रीन राइटर थे, डायरेक्टर थे, एडिटर थे, बहुत सारे प्रोफेशन वो करते थे। चलते हैं हमारी यूनिट वन के तरफ। तो चैप्टर को पहले पढ़ेंगे लाइन बाय लाइन। इसमें जितनी भी आपकी स्लाइड्स दिखेंगे, ये वाली जो स्लाइड्स है, इसमें बुक की डायरेक्ट लाइन बाय लाइन यहाँ पर है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं इन 41। सो हियर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 41? इट सिग्निफाइज 1941। आई वॉज लिविंग अलोन इन एन एम्प्टी फ्लैट इन अ क्वाइट मॉस्को स्ट्रीट। आई हियर आई सिग्निफाइज द ऑथर। तो ऑथर खुद इस अपनी चाइल्डहुड एक्सपीरियंस को नैरेट करते हैं, तो इसमें आई हमारी राइटर ही है। सो ही वॉज लिविंग अलोन इन एन एम्प्टी फ्लैट इन क्वाइट मॉस्को स्ट्रीट। अभी आप सोच रहे हो कि वो अलोन क्यों रहते थे, उनके माँ बाप नहीं थे क्या, उनके पेरेंट्स कहाँ गए? सो ही वॉज लिविंग अलोन इन एम्प्टी फ्लैट इन अ क्वाइट मॉस्को स्ट्रीट। मॉस्को स्ट्रीट आप रशियन की एक स्ट्रीट को बोल सकते हो। तो अब उनके पेरेंट्स की बात करते हैं, तो उनके पेरेंट्स उनके पास क्यों नहीं थे? क्योंकि उनके पेरेंट्स को क्या हो गया था, डिवोर्स्ड हो गया था। माई पेरेंट्स वर डिवोर्स्ड एंड फिर हिज फादर एंड मदर। हिज फादर वाज समवेयर इन कजाकिस्तान विद हिज न्यू वाइफ एंड द टू चिल्ड्रन। तो उनकी जो फादर थी, उन्होंने सेकेंड मैरिज कर ली थी एंड उनके दो और चिल्ड्रंस थे। तो वो अपने बच्चों के साथ, अपनी तो राइटर जो थे अपनी पापा मम्मा के साथ नहीं रहते थे, उनकी फादर जो थे वो कजाकिस्तान पे रहते थे उनकी एक नई वाइफ एंड उनकी दो चिल्ड्रन के साथ। अब उनकी मदर की बात करते हैं, तो उनकी मदर वॉज माई मदर वॉज एट द फ्रंट। तो उनकी मदर एट द फ्रंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रंट? सो फ्रंट का मीनिंग होता है द प्लेस वेयर टू आर्मीज आर फाइटिंग इन अ वॉर। इस पिक्चर में आप देख रहे हो, तो आर्मीज जो है यहाँ पर, दे आर स्टैंडिंग फॉर द फाइट। सो इसी प्लेस को हम फ्रंट बोलते हैं। माय मदर वाज एट द फ्रंट का मीनिंग क्या होता है? वाज वर्किंग एट द फ्रंट। वो इस फ्रंट की प्लेसेस में काम करती थी। उनकी क्या काम क्या था? वो आर्मी में थी क्या? नहीं, सी हैड गिवन अप हर वर्क एज अ जियोलॉजिस्ट। तो पहले वो एक जियोलॉजिस्ट की तरह काम करती थी, लेकिन उन्होंने अपनी जो जॉब थी वो छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि वो सिंगर बनना चाहती थी। ऐसे बहुत सारे पीपल्स हैं जिनकी एक ड्रीम्स, बहुत सारे ड्रीम्स हो और उनकी प्रोफेशन उनकी ड्रीम्स से मैच नहीं करती हो, तो जब उनको अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं उनकी ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए, तो वो उनकी जो मेन वर्क थी उसको छोड़कर अपनी ड्रीम्स की वर्क में करते हैं। सिमिलरली उनकी मदर जो थी वो जियोलॉजिस्ट की तरह काम कर रही थी, लेकिन उनकी जो हॉबी थी, उनकी जो ड्रीम थी, वो सिंगर बनना था। सो सी हैड गिवन अप। गिवन अप का मीनिंग क्या होता है? छोड़ देना। तो उन्होंने जियोलॉजिस्ट का जो काम था उसको छोड़कर, ही ट्राई टू बिकम अ सिंगर। सी ट्राई टू बिकम अ सिंगर एंड वाज गिविंग कॉन्सर्ट्स फॉर द ट्रूप्स। तो कॉन्सर्ट्स देती थी, जो है हमारा एक म्यूजिकल फेस्टिवल हम बोल सकते हैं। सी वाज गिविंग कॉन्सर्ट फॉर द ट्रूप्स, फॉर द आर्मीज। ओके, दैट्स अबाउट हिज फैमिली। द राइटर्स फैमिली के बारे में हमने डिस्कस किया। वो खुद अकेले रहते थे, उनकी फादर मदर सेपरेट हो गई थी, उनकी फादर की एक नई, उनकी नई वाइफ और दो चिल्ड्रन के साथ रहते थे। उनकी मदर भी उनके साथ नहीं रहती थी, वो फ्रंट में काम करती थी। दैट्स अबाउट हिज फैमिली। आप इस हार्डवर्ड्स की क्विक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सो हियर द फ्रंट मीनिंग द प्लेस वेयर टू आर्मीज आर फाइटिंग इन अ वॉर। गिविन अप का मीनिंग होता है जो टू स्टॉप यूजिंग समथिंग। कॉन्सर्ट्स मैंने बताया एक म्यूजिकल फेस्टिवल होता है, या फिर फूजेस मेनली फॉर द एंटरटेनमेंट पर्पस। अब हार्डवर्ड्स हो गया डिस्कस, अब नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं।
तो आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि उनकी तो पेरेंट्स नहीं थी, तो व्हाट अबाउट हिम? हिम सिर्फ उनके बारे में क्या है, उनकी एजुकेशन के बारे में क्या है? वो छोटे बच्चे होकर भी अकेले रहते थे, तो उनकी एजुकेशन का कौन ख्याल रखता था, उनकी का उनका क्या कौन ख्याल रखता था? सो हिज एजुकेशन, माई एजुकेशन वॉज लेफ्ट टू द स्ट्रीट. What does it mean about my education was left to the street? मतलब उन्होंने अपनी जिंदगी में जो भी सीखा है, जो भी उन्होंने जाना है, वो अपनी स्ट्रीट से ही सीखा. इसे हम बोल सकते हैं कि हमारी जिंदगी में हम अपनी बात कर रहे हैं, हम मोस्ट ऑफ द थिंग्स हमारे सराउंडिंग से सीखते हैं, हमारी फैमिली हमें सिखाती है, हमारे पेरेंट्स हमें सिखाते हैं, क्योंकि और उनके पास कोई पेरेंट्स तो नहीं थी, तो वो कहाँ से सीखेंगे? वो अपनी स्ट्रीट से, अपनी सराउंडिंग से जो भी सीखते थे, वो अपनी सराउंडिंग से सीखते थे. मतलब उनकी जो एजुकेशन की बात करें तो वो स्ट्रीट के ऊपर डिपेंडेंट थी. तो उन्होंने स्ट्रीट से क्या सीखा? अब ये तो नहीं है कि स्ट्रीट हमें हमेशा सच अच्छा चीज सिखाए. अब स्कूल हम जाते हैं तो बहुत सारे अच्छे चीजें होती हैं, बहुत सारे हम बुरी चीजें भी सीख लेते हैं. तो ऐसे ही हमारी जो स्ट्रीट थी उनको अच्छी चीजें सिखाती थी, लेकिन कुछ गंदी चीजें भी उन्होंने सीखा था. तो क्या था गंदी चीजें? टू स्वेर. अब स्वेर का मीनिंग होता है टू यूज बैड लैंग्वेज. थोड़ी सा मीनिंग ऑफ स्वेर, टू यूज बैड लैंग्वेज. तो उन्होंने बैड लैंग्वेज सीखा था. ओके, सो माय एजुकेशन वाज लेफ्ट टू द स्ट्रीट. द स्ट्रीट टॉट मी टू स्वेर. टू स्वेर मींस टू यूज बैड लैंग्वेज. द नेक्स्ट पार्ट थिंग ही लर्न फ्रॉम द स्ट्रीट वाज टू स्मोक, व्हिच इज वेरी बैड थिंग टू डू. सो ही लर्न टू स्मोक and spit eloquently through my teeth. अब spit क्या क्या meaning होता है? Spit का meaning होता है saliva ejected from the mouth. एक process है जिसमें हम saliva को अपनी mouth से eject करते हैं. आप इस baby को देख रहे हो ना, यही है हमारा spit. अब spit eloquently. Eloquently का meaning होता है, जो spit तो होती है तो normally हमने पता चल गया. Eloquently का meaning होता है कुछ stylish way में दिखाना. अब walk होता है, normal walk होता है, कुछ लोग एक stylish walk करते हैं, तो वो है हमारा eloquently. So spit eloquently, एक different way में, एक stylish way में spit करते थे through his teeth, through my teeth. And to keep my face at the ready. So, and एक और चीज उन्होंने सीखा था, to keep my fish at the ready. इसका मीनिंग होता है कि जिंदगी में कोई प्रॉब्लम हो या फिर कोई लोग हो, उनको उनसे कोई प्रॉब्लम आई तो वो हमेशा रेडी रहेंगे. जिंदगी में जो भी प्रॉब्लम्स आई तो हमेशा वो रेडी रहेंगे अपनी प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए, अपनी प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए. दैट इज द वन हैबिट ही हैव टू दिस डे. ये हैबिट उनके पास अभी भी है. द हैबिट व्हिच आई हैव, जो उनके पास अभी भी उनके पास है ये हैबिट. तो कीप हिज फिश एट द रेडी, मतलब जितनी भी प्रॉब्लम्स आएगी उसको डर कर, मतलब बिना डरे उसको सामना करना होगा. दैट इज द टू कीप माई फिश एट द रेडी. देन द नेक्स्ट पार्ट इज दैट द स्ट्रीट टॉट मी नॉट टू बी अफ्रेड ऑफ एनीथिंग और एनीवन. सो ये जो है एक बहुत ही अच्छी चीज उन्होंने, उनकी जो स्ट्रीट ने उन्हें सिखाई कि जिंदगी में जो भी प्रॉब्लम्स आए, जितने भी आपके आपसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैन आ जाए या फिर मसल मैन आ जाए, तो हमें किसी से भी नहीं डरना चाहिए. Not to be afraid of anything or anyone. This is the another habit I have kept. तो ये एक another habit है जिनके जो उनके पास अभी भी है. तो क्यों, कौन से दो habit उनके पास अभी भी हैं? To keep his fists at the ready and not to be afraid of anything or anyone. ये दोनों habit उनके पास अभी भी हैं. I realized that what mattered in the struggle of life was to overcome my fear of those who are stronger. So, उन्होंने realize किया अपनी जिंदगी से, तो वो अकेले रहते थे street में, तो उन्होंने realize किया कि the struggle of life, life में जितने भी हम struggles करते हैं, जितने भी हमारे सारे problems आती हैं, जितने भी हम बड़े होके जितने भी सीखते हैं, तो मेन चीज हमें क्या चाहिए? टू ओवरकम माई फियर. ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने ड्रीम्स को फुलफिल करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास मन में एक फियर होता है कि मुझे कोई टक्कर नहीं देगा, कि मुझे मेरे लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, कि ऐसे सारे जो नेगेटिव थॉट्स होती हैं वो हमें बैकवर्ड ले जाती है. तो उन्होंने क्या सीखा कि ओवरकम माई फियर. मेरे सामने जो भी हो, मेरे सामने एक मुझसे भी ज्यादा पावरफुल, मुझसे भी ज्यादा टैलेंटेड पर्सन हो, तो मुझे उससे ज्यादा कुछ करके दिखाना है. So that's the thing he learned, to overcome his fear of those who were stronger than him.
ओके दैट्स कंप्लीटेड, वी हैव कंप्लीटेड द यूनिट वन. ये बस इतना था हमारी यूनिट वन में. यूनिट टू हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे. तो इससे पहले हार्ड वर्ड्स में चलते हैं. तो स्वेयर का मीनिंग होता है टू यूज बैड लैंग्वेज. बैड लैंग्वेज को यूज करना हमारा स्वेयर होता है. स्पिट का मीनिंग होता है जो सलाइवा इजेक्ट हम करते हैं माउथ से. एंड एलिजेंटली का मीनिंग होता है गुड स्टाइल दिखाना. एक गुड सेंस ऑफ स्टाइल को हम एलिजेंटली बोलते हैं. ओके, अब आते हैं हमारी इंटेक्स्ट क्वेश्चंस पर. मैंने कहा था हम इंटेक्स्ट क्वेश्चंस आंसर भी करेंगे. इस यूनिट वन में जितनी सारी क्वेश्चन थी हमारी वो अब हम डिस्कस करेंगे. पहला क्वेश्चन है, इज द नैरेटर अ चाइल्ड और एन अडल्ट नैरेटिंग हिज चाइल्डहुड एक्सपीरियंस. अब जो नैरेटर है वो छोटे बच्चे हैं या फिर एक अडल्ट हैं जो अपनी चाइल्डहुड एक्सपीरियंस को नैरेट कर रहे हैं. तो वो चाइल्ड तो नहीं है क्योंकि उन्होंने अपनी चाइल्डहुड एक्सपीरियंस बताया था एंड उन्होंने पास्ट फॉर्म यूज किया था. यू कैन सी हियर ही वाज यूजिंग पास्ट फॉर्म व्हाट ही एक्सप्रेस्ड. सो नैरेटर इज एन अडल्ट. एक अडल्ट थी जो अपनी जो चाइल्डहुड एक्सपीरियंस बताते हमें इस चैप्टर में हमने हमसे बताया. ओके, द नैरेटर इज एन अडल्ट हु नैरेटिंग हिज चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस. अब फर्स्ट क्वेश्चन हो गया. सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं. डज द नैरेटर हैव हैप्पी एक्सपीरियंसेस इन हिज चाइल्डहुड, फाइन और फाइन नॉट. तो उनकी जो बचपन में उनके पास कोई हैप्पी एक्सपीरियंस था क्या? ऑब्वियसली नो. क्योंकि अगर हमारे पास कोई, हमारे पेरेंट्स नहीं होंगे, हम अलोन किसी जगह पर रहेंगे तो हमारे लिए हैप्पी होगा क्या? वो अफेक्शन नहीं आएगा. जो अफेक्शन फैमिली के साथ होती है, क्लोज एनवायरमेंट के साथ होती है, वो अफेक्शन अकेले रहने पर नहीं आएगा. सो नो, द नैरेटर डज नॉट हैव हैप्पी एक्सपीरियंसेस इन हिज चाइल्डहुड. बिकॉज क्यों? उनके पास कोई हैप्पी एक्सपीरियंस नहीं था. क्योंकि एक्सपीरियंस कैसे बनते हैं? एक्सपीरियंस हमारे अपनों से बनती है. सो ही वॉज लिविंग अलोन विदाउट हिज फैमिली. तो वो अकेले रहते थे विदाउट हिज फैमिली. एज हिज पेरेंट्स गेट सेपरेटेड, तो उनके पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया था तो वो अकेले रहते थे. सो इसीलिए उनके पास कोई हैप्पी एक्सपीरियंस अपनी चाइल्डहुड में नहीं थी. उन्होंने अच्छी चीजें सीखी लेकिन कोई हैप्पी एक्सपीरियंस, कोई हैप्पी मोमेंट उनके लाइफ में नहीं था. थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं. व्हाट वाज हिज रिलेशनशिप विद हिज फादर. उनके फादर के साथ उनकी रिलेशनशिप कैसी थी? अब अच्छी तो नहीं थी क्योंकि उनके फादर ने सेकंड मैरिज कर ली थी. उनके और दो बच्चे थे एंड वो अपने जो फर्स्ट सन थी उनके साथ नहीं रहते थे. तो वो रिलेशन अच्छा नहीं था. हिज रिलेशनशिप विद हिज फादर वॉज नॉट सो गुड. अच्छा रिलेशनशिप उनके बच्चों के साथ, उनके राइटर के साथ नहीं था. बिकॉज ही वॉज लिविंग फार अवे फ्रॉम हिज सन. तो वो अपने सन से बहुत दूर रहते थे. दैट वॉज इन कजाकिस्तान वो रहते थे विथ हिज न्यू वाइफ एंड अदर टू चिल्ड्रन. तो उनके पास अपनी राइटर के लिए कोई टाइम नहीं था. उनको कुछ वो हेल्प नहीं कर पाते थे, वो अकेले रहा करते. तो उनके फादर का उनके साथ कोई अच्छा कनेक्शन नहीं था. एंड ऑल्सो वन थिंग दैट ऑथर सेल्डमली रिसीव्ड लेटर फ्रॉम हिज फादर. तो उनके फादर से वो कभी कभार ऐसे लेटर्स रिसीव करते थे. ओके, नाउ मूविंग टू द फोर्थ क्वेश्चन. हाउ डिड हिज मदर स्पेंड हर लाइफ. उनकी मदर जो थी वो कैसे अपनी जिंदगी बिताती थी. तो हिज मदर वॉज एट द फ्रंट. तो वो फ्रंट में वॉक करती थी. सी हैड गिवन अप. उनकी जो प्रोफेशन थी जियोलॉजिस्ट का, उन्होंने वो छोड़ दिया. क्यों? क्योंकि वो अपनी जो मोस्ट ऑफ द टाइम सिंगिंग में यूज करना चाहती थी. सो सी वॉन्टेड टू बिकम अ सिंगर. सो सी स्पेंडिंग मोस्ट ऑफ द टाइम बाई गिविंग कॉन्सर्ट्स फॉर द ट्रूप्स. आर्मीज के लिए कॉन्सर्ट्स देती थी बिकॉज उनकी जो ड्रीम थी वो सिंगर बनना था. फिफ्थ क्वेश्चन पर चलते हैं. व्हाट डज माय एजुकेशन वाज लेफ्ट टू द स्ट्रीट मीन हियर. उनकी जो एजुकेशन थी वो स्ट्रीट तक आ गई थी, उसका मीनिंग क्या था? उसका मीनिंग ये है कि जो मोस्ट ऑफ द थिंग्स उन्होंने सीखा है अपनी जिंदगी में वो अपनी स्ट्रीट से ही सीखा है, अपनी जो बाहर की एनवायरमेंट से ही सीखा है. सो माई एजुकेशन वॉज लेफ्ट टू द स्ट्रीट विच मीन्स ही लर्नड मोस्ट ऑफ हिज एक्टिविटीज फ्रॉम द स्ट्रीट. उनकी जितनी भी सारी एक्टिविटीज थी वो स्ट्रीट से ही सीखा. उसकी एग्जाम्पल क्या है? टू स्वेयर, स्मोक, स्पिट एलिजेंटली थ्रू हिज टीथ. ये सारी जो एक्टिविटीज थी उन्होंने अपनी स्ट्रीट से ही सीखा है. कोई उनके पेरेंट्स नहीं थे, कोई फैमिली पर्सन नहीं था उनको सिखाने के लिए. तो ये सारी जो एक्टिविटीज थी वो अपनी स्ट्रीट से ही सीखा, अपनी सराउंडिंग से ही सीखा. सिक्स्थ क्वेश्चन पर चलते हैं. What were the two habits that remained with him all his life? ऐसे कौन से हैबिट थे जो अपनी होल टाइम ऑल हिज लाइफ के लाइफ में रह गई. तो ये दो हैबिट्स थे. The two habits that remained with him all his life, one is to keep his feast at the ready.
उसका मीनिंग क्या होता है, टू विच मीन्स टू ऑलवेज बी रेडी फॉर एवरी सिचुएशन, जितनी भी प्रॉब्लम्स हो, जितनी भी मुश्किल आ जाए, हमें डर कर बिना डरे हमें सामना करना चाहिए. तो विच मीन्स टू ऑलवेज बी रेडी फॉर एवरी सिचुएशन. एंड द नेक्स्ट वन टू बी नॉट टू बी अफ्रेड ऑफ एनीथिंग एंड एनीवन. सेकंड पॉइंट जो उन्होंने सीखा अपनी जिंदगी में भर, उन्होंने उनके पास वो क्वालिटी रह गई जो है क्या, नॉट टू बी अफ्रेड ऑफ एनीथिंग और एनीवन. ये हमारी होगी सिक्स्थ क्वेश्चन. सेवेंथ क्वेश्चन पे चलते हैं. व्हाट इन योर ओपिनियन वाज द बेस्ट लेसन दैट द स्ट्रीट टॉट टू द नेटर. ये आप पर छोड़ते हैं कि आप इस लेसन से क्या सीखा, क्या उनके लिए बेस्ट था. मेरे लिए तो बेस्ट था, द बेस्ट लेसन दैट द स्ट्रीट टॉट टू द नेटर वाज टू ओवरकम हिज फियर ऑफ दोज हु आर स्ट्रॉन्गर. अपनी जिंदगी में ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारी फियर को ओवरकम करना. सो द नेटर हैव द एक्सपीरियंस टू ओवरकम हिज फियर. उनके सामने जो भी स्ट्रांग पर्सन आ जाए तो उसके साथ अपनी जो फेस, अपनी फियर को फेस करना उनके पास था. टू ओवरकम हिज फियर ऑफ दोज हु आर स्ट्रॉन्गर एंड दैट हेल्प्स हिम टू टैकल एवरी प्रॉब्लम. जिंदगी में जो भी प्रॉब्लम्स आई उसको वो खुशी खुशी टैकल कर सकते हैं क्योंकि वो जानते हैं कैसे अपनी प्रॉब्लम्स के साथ, अपने फियर्स के साथ फेस करना. ओके, दैट्स द चैप्टर, दैट्स द यूनिट वन. अब हम यूनिट टू जो है हम सेकेंड वीडियो में डिस्कस करेंगे. सो दैट्स फॉर ऑल. थैंक यू.